नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम भारत के राज्यों में जाते हैं, राज्यों से गांव तक पहुंचते हैं। आपको बता दें, इस वक्त मौजूद हैं कालों की काल महाकाल की नगरी उज्जैन में, और इसका जो गांव पड़ता है वो है बलेड़ी, जिसका ब्लॉक पड़ता है बडनगर, जिला उज्जैन। आपको बता दें कि यहाँ पर जो गाँव है, गाँव से निकट एक चंबल नदी बह रही है। और आपको बता दें, इस गांव की जो विशेषता है वो ये है कि इस गांव में कृषि यंत्र बना करते थे। जो कृषि यंत्र थे वो लगभग 60 साल पहले से बन रहे हैं। और आपको एक चीज़ और भी बता दें कि यहां पर जो कृषि यंत्र बनते थे वो बनता था सीड ड्रिल। आइए आपको गांव की सैर कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य है कि उत्पाद जो है आज किसान के पास आए तो वो जैविक उत्पाद आए। निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का जो असंतुलित मात्रा में उपयोग हो रहा है, उससे मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पशुओं का स्वास्थ्य, वातावरण का जो मौसम है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है, और निश्चित रूप से हमारे उज्जैन जिले में बहुत सारे किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं और अपने उत्पाद में बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं। कई किसान तो यहाँ ऐसे भी हैं कि जो यहाँ से उत्पाद जो है अलग से जो जैविक हाट लगती है हमारी, तो जैविक हाट में उनका जैविक उत्पाद है उसको कई गुना उसका पैसा मिल रहा है। हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो मार्केटिंग जो करते हैं वो जैविक हाट यहाँ पे उज्जैन जिले में है, तो वहाँ पे अपना उत्पाद बेचकर अच्छा लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं जैविक खेती के बारे में। जी आप बताएं। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, मैं विगत 3 वर्षों से जैविक खेती कर रहा हूँ। आप ये बताएं, आपको जैविक खेती की जानकारी कहाँ से मिली? मुझे डीडी किसान के माध्यम से जानकारी मिली जैविक खेती की। बहुत से किसान जैविक खेती कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं की जाए, इससे लागत मूल्य भी कम होती है। तो विगत 3 वर्षों से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। शुरुआत में 2 साल उत्पादन कम मिला मुझे, उसके बाद अभी स्टेबल है, यानी अब उत्पादन लगभग उतना ही आ जाता है। कहने का मतलब जैविक खेती लाभकारी है? हाँ, लाभकारी तो है भाई। तो पहले जब आप उत्पाद करते थे तो तब में और अब में आपको कितना फर्क महसूस हो रहा है? उत्पादन तो लगभग सेम ही आने लगा है। पहले यानी कि रासायनिक के दुरुपयोग के कारण उत्पादन थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अब जैविक खेती करने लगे हैं इससे ये तो संतुष्टि है कि दूसरे को जहर तो नहीं खिला रहे हैं, स्वयं के लिए भी करते हैं और थोड़ा बहुत बाहर भी दे देते हैं। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो आपको क्वालिटी में कितना बदलाव महसूस हो रहा है? क्वालिटी अभी लगभग ठीक है, उसकी क्वालिटी यानी कि रासायनिक से थोड़ी ठीक है क्वालिटी, रसायन से अच्छी क्वालिटी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं जैविक खेती के बारे में। जी आप बताएं, आप जैविक खेती करते हैं? हाँ, शुरुआत की है सर मैंने। आदरणीय भानु प्रताप जी जो मेरे पड़ोसी है और उन्होंने जैविक खेती कर रहे हैं, उसके पड़ोस में अपनी भी खेती है और मैं भी जैविक की तरफ ध्यान दे रहा हूँ कि ताकि देश को जहर मुक्त बनाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जैविक खेती के बारे में। जी आप बताएं। जैविक खेती के विषय में मैं पिछले 2 वर्षों से जो शुरुआत की है उसमें मुझे लाभ ही लाभ नज़र आता है। स्वास्थ्य का लाभ तो है ही सही, मेरी लागत भी कम हुई, लागत कम होने से मेरा मुनाफा बढ़ा है। जिस प्रकार के हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो कि कृषि का आय दुगनी करना है, तो कृषि की आय दुगनी जैविक खेती के माध्यम से ही हो सकती है। जब तक हम लागत कम नहीं करेंगे तो हमारा मुनाफा कैसे बढ़ेगा? भाई, स्वास्थ्य की बात आती है, सबसे पहले तो कृषि जो होती है उसका जो उत्पाद होता है वो जनता के लिए खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है,
अगर उसको केमिकल हम उपलब्ध केमिकल रूप में खाद्य को उपलब्ध करवाते हैं तो जो जनता है हमारे जो नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आज जो हम केमिकल जो खाद के रूप में यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ करते हैं ये सारा ज़्यादातर बाहर से मंगवाया जाता है जिसमें कि हमारी देश की मुद्रा का काफ़ी हानि हो रही है। और अगर हम जैविक खेती करते हैं तो ये जो केमिकल है इसका उपयोग कम होगा, हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी बढ़िया होगा, हमारी विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और हमारे किसान की भी समृद्धि होगी। देखिए आपने जैविक खेती की, आपका उत्पाद भी आया, जब उत्पाद आया तो आप उसको मार्केट तक कैसे लेके जाते हैं? ये जो सिस्टम है हमारा केवीके से संबंधित है, हमको प्रेरणा भी यहीं से मिलती है। तो हमने जब हमारा उत्पाद प्रोडक्ट पैदा किया तो यूं तो हमारा स्तर छोटा ही है क्योंकि हमको जानकारी कम रहती है गांव लेवल पे। हमने केवीके से संपर्क किया, अधिकारी वर्ग ने हमारा सपोर्ट किया कि भाई आपको इस जगह पर आपका जो उत्पाद पैदा किया हुआ है इसका सही मूल्य आपको वहाँ पर प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लिंक से जुड़े और फिर हमें जो प्रोडक्ट था उसका हमको लाभकारी मूल्य प्राप्त हुआ। कहने का मतलब जैविक खेती लाभकारी है? जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैविक खेती लाभकारी है और आगे भी रहेगी। जैविक खेती आपने की और आपकी जो मिट्टी की, जब आपने उसमें जैव उत्पाद डाले तो आपने मिट्टी में कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? मिट्टी में साहब हमारा जो केमिकल यूज करते थे उससे हम कई गुना ज़्यादा लाभ, मतलब कि उसमें जैविक जो थे हमारे जीवाणु वगैरह केमिकल के कारण नष्ट हो गए थे। हमने जब से शुरुआत की वो जीवाणु पैदा हुए और आज जो खेती की जो कंडीशन है जिसमें कि हमारे पौधे भी मतलब मजबूत पैदा होते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है और हमको जो है कि जो पिछला जो पौधे कमज़ोर होते थे उसमें हमको केमिकल का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता, कीटनाशक का। आज पौधा मजबूत है तो हमको कीटनाशक का उपयोग करना बिल्कुल कम कर दिया, मतलब कि यदा कदा ही हम तो जैविक यूज़ करते हैं पर क्या है कि जैसे ही कीटनाशक कम हुआ तो हमारा लाभ भी बढ़ा है और खेती में मतलब भविष्य के लिए हम हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके लिए एक सुरक्षित भूमि उपलब्ध करवा के जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने, बताया कि जैविक खेती करके उनको लाभ मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि जहां उनको मार्केटिंग में पहले समस्या आती थी पर जैविक खेती करने के बाद उनकी मार्केट की समस्या भी खत्म हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी, वो कह रहे हैं कि अगर जैविक खेती करेंगे और उनका लागत जब मूल्य कम लगेगा तो उनकी 2022 तक किसानों की जो आय है वो दोगुनी होगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसान भाई जैव उत्पाद किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बलेड़ी की चौपाल चर्चा में। हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की। जैसे कि हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि हम आपको बताएंगे कि जैव उत्पाद हमारे किसान भाई किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, आइए उनके पास चलते हैं। जी आप बताएं।
मैंने जैविक यानी वर्मी कंपोस्ट तैयार किया, पिट बना के केचवे डाल के उसमें, वो करीबन 45 दिन में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वेस्ट डिकम्पोजर जो आता है उसका इस्तेमाल किया, उसके बाद कीटनाशक भी मैं बनाता हूँ, 5 पत्ती काढ़ा, उसमें गोमूत्र और नीम, करंज, अमरूद के पत्ते और अपने आंकड़ा, धतूरा, ये डाल के जैविक कीट नियंत्रक वो यूज़ करता हूँ। और वर्मी वाश जो केचवे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें से एक वर्मी वाश निकलता है, उससे वो फंगीसाइड का काम करता है। वो प्रोडक्ट मैंने बनाया है, वो मेरे खेतों में यूज़ करता हूँ मैं। किसान भाई ने बताया कि किस तरीके से वो जैव उत्पाद तैयार करके लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं जो सवाल करना चाहते हैं, कृपया करके अपना हाथ उठा लें। जी आप बताएं। सर, जैविक खेती करना एक बहुत अच्छा तरीका है, उसमें के लिए मतलब कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, मतलब रासायनिक खाद के मुताबिक तो वो भी ठीक ही है, परंतु इसमें दिक्कत ये आती है कि जैसे खरपतवार इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें क्या होता है कि मज़दूर आजकल मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, उसमें क्या है कि कोई मशीनी तो हो नहीं सकती, इसके लिए खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो जैविक तरीके से खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। पहले की जो हमारी परंपरा थी, जैसा कि स्कीम का नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना, पहले तो नहीं था खरपतवार नाशक। किसान भाइयों को सभी बैठे हैं सामने, पहले कहाँ करते थे? हमारे बाप दादा तो जानते भी नहीं थे। पहले हम लोग गर्मियों में 3 साल में एक बार जुताई करेंगे, तो निश्चित मानिए कि इसमें खरपतवार जितने भी हमारे खेत में होते हैं उसकी मात्रा आधी हो जाती है। उसके बाद हमारे मालवांचल में हर किसान जो है दो दो बार कुल्पा चलाता था। यदि आपने 3 साल में एक बार गहरी जुताई कर दी तो 50% नीदा खरपतवार आपके उससे कंट्रोल होंगे। तो 2 डोरा चला दिए, जैसा इस बार हुआ, अभी बीच में जो है 10 से 15 दिन पानी नहीं था। हमारे ज़िले में खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग इस बार कम से कम किया गया है, हर किसान ने डोरा चलाया है, तो देखिए आप खेतों में चल के खरपतवार नहीं है। तो निश्चित रूप से जो किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं उसके लिए वैज्ञानिकों के पास बहुत सारे तरीके हैं। आप जो है कृषि विज्ञान केंद्र में आइए, आप लोगों को स्वागत है, आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। और जैविक खेती में निश्चित रूप से जब इस गाँव में बलेड़ी में 10 किसान कर रहे हैं तो क्यों ना 20 किए जाएँ। यदि आप लोग एक समूह बनाते हैं, जैविक कृषकों का एक समूह बनाते हैं, FPO जिसको बोलते हैं हम लोग, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लें, तो जो प्रोडक्ट जो अपना गांव में रहेगा बलेड़ी में, इसकी मार्केटिंग हम लोग गांव से कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे खरीदार हैं कि आपके गांव में आएंगे और गांव से पूरा का पूरा उत्पाद आपका खरीद के ले जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। विशेषज्ञ ने बताया कि आपका जो खरपतवार नाशी है, जो जैविक तरीके से आप डालना चाह रहे हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आप कृषि विज्ञान केंद्र जाएं, उनसे जानकारी लें, वो आपको ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे आपका खरपतवार नाश हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप किसान उत्पादक संगठन बनाएं। जब आप किसान उत्पादक संगठन बनाएंगे, जब कृषक का समूह बनेगा, तो आपको उससे लाभ ही लाभ मिलेगा। आप मार्केट में भी उससे लाभ लेंगे, साथ ही साथ जब आप खेती करेंगे उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की रबी और खरीफ फसलों का बीमा कराया जाता है, जिससे जब कभी भी फसलों को नुकसान होता है तो जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के रूप में किसान को नगद राशि जिस संस्था द्वारा की जाती है उसको प्रदाय की जाती है, जिससे किसान का जो जोखिम है खेती में जो नुकसान है उसकी पूर्ति होती है। इस ज़िले में अधिकांशतः किसान 80% किसान फसल बीमा कराते हैं और किसानों को बीमा का लाभ दिया गया है। फसल बीमा के अंतर्गत रबी फसलों में हम 2% प्रीमियम राशि लेते हैं और खरीफ में 2% और रबी में 1.5%। इस प्रकार से फसल बीमा एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसके तहत लाखों किसानों को लाभ दिया गया है। उज्जैन ज़िले में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लगभग 500 करोड़ से अधिक राशि इस मतलब किसानों को वितरित की गई है। ये बहुत ही फायदेमंद योजनाएं हैं। और अगर हम बात करें इस गांव की, तो कितने किसान जागरूक हैं इस गांव में? भी ये गांव पूर्णतः सभी किसान जागरूक हैं और इस गांव में सभी किसानों को बीमा मिला भी है जिन्होंने बीमा कराया है। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि यहाँ के जो किसान हैं सारे जागरूक हैं और
जिनको जानकारी है उन्होंने सबने बीमा कराया है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। यहाँ बीमा प्रधानमंत्री योजना का भी है और जो बैंक से भी हो जाता है, कैश क्रेडिट लोन जो भी है उससे लाभ मिलता है। आपने कौन सी फसल का बीमा कराया? अभी फिलहाल सोयाबीन फसल का है। आपकी सोयाबीन जो फसल है कभी क्षतिग्रस्त हुई है? हाँ हुई थी। उस पर लाभ मिला आपको? हाँ लाभ मिला था। कितने प्रतिशत का आपको लाभ प्राप्त हुआ? ये 50% 60%। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे हल्के के हिसाब से नुकसान होता है तो वो एक किसान को नहीं मिलता है, पूरे हल्के में होता है, पूरे गांव में नुकसान होता है तो उसका परसेंटेज निकाल के फिर देते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे किसानों के नुकसान हो जाता है कभी कभी। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि अभी तक जो है, अगर हम उज्जैन जिले की बात करते हैं तो पटवारी हल्के के हिसाब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। वो चाहते हैं जो खेत की इकाई है अगर वैसे अगर उनको लाभ मिलेगा तभी वो इस योजना से लाभ ले पाएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। जी आप बताएं। किसान फसल बीमा योजना बहुत अच्छी योजना है सरकार की। इस योजना से हमारी तहसील को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है और लगभग 75% से ऊपर के किसानों ने फसल बीमा योजना का लाभ लिया है हमारे यहाँ, और हम इस योजना से बहुत खुश हैं। पर एक ही कमी है इस योजना में कि इसमें खेत को इकाई माना जाए। इसमें क्या पूरा पटवारी हल्का रहता है और पूरा पटवारी हल्के में नुकसान होता है जब भी मिलता है, एक किसान को नहीं मिलता और प्रीमियम सभी किसान देते हैं। देखिए हमारे किसान की मांग है कि खेत को इकाई माना जाए, अगर उनको खेत को इकाई माना जाएगा तभी वो इस योजना से बेहतर लाभ ले पाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। फसल बीमा की जो चर्चा चल रही है, क्या आपने फसल बीमा योजना से लाभ लिया है? लाभ लिया है, अच्छा भी लाभ मिला है। मगर जो 2015 में जो लाभ हमें नहीं मिला है, प्राइवेट जो बैंक है इनमें लोन केसेस वगैरह करवाई रखी है, उसका अभी तक नहीं मिल पाया है। इस विषय में ध्यान दें। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है जो प्राइवेट जो बैंक हैं उन्होंने 2015 में फसल बीमा योजना से लाभ नहीं ले पाए हैं, तो उनका कहना है कि 2015 से जो अब तक का जो समय है वो लाभ नहीं ले पाए हैं, तो कह रहे हैं थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत दो कंडीशन दी गई है कि अगर आपकी फसल जलभराव के कारण यानी अतिवृष्टि होने से अगर फसल नुकसान होती है तो उसमें खेत इकाई का प्रावधान दिया गया है, जितने किसानों का नुकसान होगा उनको बीमा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर ओले पड़ते हैं तो उस कंडीशन में भी जिन किसानों का नुकसान होगा उनको बीमा दिया जाएगा, ये योजना के तहत प्रावधान है। लेकिन सामान्यतः अगर नुकसानी अन्य किसी कारण से होती है उस कंडीशन में पटवारी हल्का इकाई है,
जैसा कि मांग है किसानों की, लेकिन इसमें अगर इकाई के आधार पर उसका जो निर्धारण करना है और हर किसान पर, क्योंकि इस योजना के तहत करोड़ों किसान हैं और उन किसानों के प्रत्येक खेत का निर्धारण करना बहुत कठिन समस्या है, फिर भी एक जायज मांग है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। हमारे विशेषज्ञ ने कहा है कि जो खेत इकाई है वो सिर्फ अभी तक दो में है, एक अतिवृष्टि और दूसरा ओला में। उन्होंने कहा किसानों की मांग जायज़ है, उस पर हमारी सरकार जो है उनको सोचना चाहिए। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं जो सुझाव देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। अरे मेरे घर के सामने बहुत गंदा पड़ा हुआ, बगदा गंदा बहुत, या गंदगी बहुत होती है घर के सामने पड़ा हुआ हूँ। आपने ग्राम के सरपंच को सूचित किया? सरपंच को नहीं किया, वो इनमें सब ध्यान रखेंगे, सरपंच वही खुद करेगा, पंचायत वाले अपन क्या कर सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनके घर के आसपास गंदगी है, वो चाहते हैं कि जो स्वच्छ भारत जो मिशन चल रहा है उसके तहत उनके गांव में स्वच्छता हो। हमारे बीच में सरपंच मौजूद हैं, आइए जानते हैं। गाँव में सर मवेशी के कूड़े वगैरह जो आस पास रहते हैं, और गाँव में मवेशी भी रखते हैं, उस कारण से गोबर वगैरह डालते हैं लोग, और जब जैविक की खाद की जब समस्या खेती कर रहे हैं अपन, तो कूड़े तो गांव के आसपास ही रहेंगे। और ये जो आपने हमारे भाई ने जो सुझाव दिए, तो हम इस पर बिल्कुल बराबर ध्यान रखेंगे और वहां से गंदगी हटाएंगे। देखिए हमारे ग्राम सरपंच ने कहा है कि जो ग्रामवासियों ने कहा है, तो जल्द ही उस पर कोई एक्शन लेंगे और वहाँ से गंदगी भी हटाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। मेरी एक ही समस्या है कि जो जैविक खेती के लिए रजिस्ट्रेशन होता है माल बिक्री के लिए, उसकी जो प्रक्रिया है काफ़ी जटिल है, उसको सरल बनाया जाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर जैसे हमारे गांव से बलेड़ी से 25 किलोमीटर दूर हमारे उज्जैन ज़िले में मंडी है, जैसे हम यहाँ से अनाज वहीं पर ले जाते हैं और ज़िले के हिसाब से बहुत बड़ी मंडी है, परंतु सर वहाँ पे जो एक समर्थन मूल्य होता है, जबकि मंडी का कर्मचारी टोटल गवर्नमेंट के अथॉरिटी पे ही होता है, जिसके बावजूद भी वहाँ पे सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। क्योंकि अगर समर्थन मूल्य सपोजली मान लीजिए अगर 3000 है, पर वहाँ 2000 से स्टार्टिंग होती है, और 3000 तो नहीं के बराबर किसी सो में से। कहने का मतलब है जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया है उसी पर ही आपका जो अनाज है वो जाए। हमारे बीच में ग्राम सरपंच मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि मैं इस वक्त देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है, क्या बारिश का स्तर हर साल ऐसे ही रहता है? जी सर, बारिश का स्तर तो कई साल ज़्यादा भी रहता कम भी रहता, और बारिश अच्छी भी होती है, पर सर बिना चेक डैम और बिना पाले से पानी रुक नहीं पाता है, इस कारण से बह जाता है। और श्रीमान शासन से निवेदन करता हूँ कि हमारे बदनगर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाया जाए और चेक डैम बनाया जाए, ताकि बारिश का पानी रुके और हम इसका उपयोग कर सकें। देखिए हमारे सरपंच जी ने कहा है कि जो पानी जो वर्षा का जो जल है, अगर वो चेक डैम में अगर बना दिया जाएगा तो वो उससे लाभ ले पाएंगे। कार्यक्रम की हमने शुरुआत करी थी परंपरागत कृषि विकास योजना से, किस तरीके से हमारे किसान भाई जैविक खेती करके अच्छा लाभ ले रहे हैं। किसान भाई ने बताया कि वो जैव उत्पाद जब तैयार करते हैं, किस तरीके से उत्पाद तैयार कर रहे हैं और कितना लाभ ले रहे हैं, जैविक खेती करके उनकी उपज में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम के दूसरे भाग में हमने बात करी थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आपने जाना कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, हमारे किसान भाई किस तरीके से फसल का बीमा करा के लाभ ले रहे हैं। कुछ किसान ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि 2015 में उनकी जो फसल क्षतिग्रस्त हुई थी, बट उनको अब तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। और कुछ किसान इन्होंने ये भी बताया कि जो फसल बीमा योजना है, इस योजना का जो ड्यूरेशन है, जैसे उनकी फसल आज क्षतिग्रस्त हुई है वो अप्लाई करते हैं 6 महीने का समय लगता है, तो वो चाहते हैं कि समय का जो दायरा है वो कम किया जाए। और हमारे किसान भाइयों के सुझाव थे कि जो जैविक खेती की जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ज़्यादा जटिल है, उसको सरल किया जाए। और हमारे दूसरे किसान भाई ने बताया कि जो MSP है, अगर उसी दर पर अगर उनका जो उत्पाद लिया जाएगा तभी उनको इस योजना से अच्छा लाभ हो पाएगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।